अफोर्डेबल एशेडो पैलेट का रिव्यू। सो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बट बिफोर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके स्क्रीन के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर दें। साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस मिस ना कर दें। सो चलिए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आईशेडो पैलेट की जो हम जिस आईशेडो पैलेट के बारे में आज हम बात करने वो है SFR के आईशेडो पैलेट्स। हाँ जी पैलेट्स, तो मैं किसी एक पैलेट का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, 3 पैलेट्स का रिव्यू करने वाली हूँ एंड जो कि सभी बहुत अफोर्डेबल है, अल्ट्रा अफोर्डेबल है एक्चुअली में। जो फर्स्ट पैलेट है वो है ये, दिस इज प्रो कलर स्टूडियो आईशेडो पैलेट SFR कलर। सो ये प्रो कलर आई शेडो पैलेट है एंड ये बहुत ही अच्छा क्यूट आई शेडो पैलेट है एंड इसमें जो है 18 शेड्स दे रखे हैं। मैं इसको ओपन करती हूँ। ये इस तरह की पैकेजिंग में होता है, ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक है एंड ये बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है एंड इसमें देखिए 18 शेड्स दे रखे हैं। ये इस तरह के एप्लीकेटर के साथ आता है। तो मुझे जो ये आई शेडो पैलेट है ये मुझे मिला था 80 रुपीज़ में एंड मैंने इसको परचेज किया था किसी लोकल स्टोर से। आप इसको परचेज कर सकते हैं cuffsandlashes.com पर। SFR के प्रोडक्ट्स कफ्स एंड लैशेज पर ईजिली अवेलेबल हैं एंड वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे इसको पर मतलब सेल करते हैं। तो मैं इसके स्वैचेस आपको दिखाती हूँ। सो मैंने जो इसको परचेज किया था वो कुछ शेड्स के पर्पज़ पे परचेज किया था क्योंकि ये बहुत ही स्प्रिंग काइंड ऑफ पैलेट है एंड ये बहुत स्प्रिंगी कलर्स है, मुझे बहुत पसंद आया था। सो ये फर्स्ट शेड है येलो, मैंने इसके लिए इसको परचेज किया एंड दिस पिंक नियॉन शेड, दिस ग्रीन नियॉन शेड। मैं इसके आपके इस अपने फेवरेट कलर्स के स्वेचेस आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ये एंड ये देखिए ग्रीन पिंक एंड येलो, कितना अच्छा कलर आ रहे हैं इसके। ये मैंने बिल्कुल ज़रा सा लिया है तो इतना अच्छा कलर आ रहा है। सो आप इसको क्लोज से देख सकते हैं, क्लोज से देखेंगे तो इस पर हार्ट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे प्रिंटेड हार्ट्स हैं, मतलब ये ऊपर है वैसे तो प्रॉपरली वैसे ही बना हुआ एंड इस पर स्पायरल शेप बना हुआ रिंग काइंड ऑफ। ये बहुत क्यूट पैलेट है, सी कलर्स, लव द कलर्स एंड मैं कुछ और शेड्स के आपको स्वेचेस दिखाती हूँ। दिस ब्राउन शेड एंड दिस, इसमें लगभग सभी तरह के कलर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, मतलब मुझे ये बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट है, ये मुझे बहुत पसंद है एंड ये इसका प्लस पॉइंट है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, इसकी पिगमेंटेशन सुपर है एंड ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये कुछ इस तरह के एप्लीकेटर है, इसका बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स इसी तरह के एप्लीकेटर में आते हैं, इसका स्मॉल सा एप्लीकेटर है। इसका अच्छा यूज़ नहीं, उतना अच्छा यूज़ नहीं करेंगे जैसे हमें कुछ बहुत अच्छा लुक क्रिएट करना हो तो, बट हाँ जस्ट ऐसे ऐसे अप्लाई करना हो, नॉर्मल टैप टैप करके अप्लाई करना हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा क्योंकि कुछ ब्रशेज ऐसे होते हैं जो आई शेडो को खा जाते हैं लाइक उसकी पिगमेंटेशन खत्म कर देते हैं, वो सारे उसमें घुस जाता है और मतलब आईज पे तो जाता ही नहीं है। तो ये उसके लिए अच्छा है, इसको संभाल के रखना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट जो आई शेडो पैलेट है वो है ये SFR आई कलर, SFR गर्ल आई कलर आई शेडो पैलेट। सो ये कुछ इस तरह का पैलेट है, देखिए ये भी इसका प्लास्टिक में ही है एंड इसको हम ओपन करते हैं, सॉरी इसका वो गिर गया है एंड इसमें इस तरह के शेड्स हैं एंड ये भी मुझे मिला था 80 रुपीज़ और 90 रुपीज़ आई, मैंने भी इसको भी लोकल स्टोर से परचेज किया था, आई डोंट रिमेम्बर ये मुझे कितने में मिला था, बट ये भी आपको cuffsandlashes.com पे इजीली अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। सो मैं आपको इसके स्वेचेस दिखाती हूँ। मैंने इस शेड को जो इसलिए लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लू शेड, आई लव दिस ब्लू शेड एंड दिस ग्रीन शेड। एक्चुअली मैं इसके सारे कलर्स बहुत ही फैब है यार, मतलब देखिए क्लोज से देखिए, दिस इज डार्क ग्रीन बॉटल ग्रीन काइंड ऑफ शेड एंड दिस इज लाइक सी ब्लू शेड, मतलब बहुत अच्छा शेड है यार, मेरे को एक्सप्लेन करना भी नहीं आ रहा कि इतना अच्छा शेड है। मैं आपको उसका स्वैच दिखाती हूँ, ये ब्लू शेड है एंड ये ग्रीन शेड एंड ये दिस, मैं आपके शिमर शेड्स दिखा रही हूँ इसमें, इसमें ज़्यादा शिमर शेड्स हैं एंड 3 मैट शेड, एक्चुअली मैं 2 मैट शेड्स है वाइट एंड ब्लैक, बाकी सारे शिमर शेड्स हैं, ब्राउन भी शिमर शेड है। तो मैं आपको इसका स्वैच दिखा देती हूँ, ये एक्चुअली मैट है ब्राउन वाला बट इसमें हल्की सी शीन है। सी दिस ब्लू कलर, लव इट, मतलब आप कहेंगे कि मैंने इसे एक लुक भी क्रिएट किया हुआ है
मैंने इससे एक वीडियो क्रिएट किया और जिसमें मैंने एक वीडियो में इसको यूज़ किया था एंड ये बहुत अच्छा ब्लू शेड है। मुझे सिर्फ इस ब्लू शेड की वजह से ही मैंने इसको लिखा है। ग्रीन शेड भी बहुत अच्छा है, ग्रीन स्मोकी एज बनाने के लिए परफेक्ट है। सो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी लेशेस पे मिल जाएगा एंड इसका क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छा है। इस बात कर रही है ना जो इसके एप्लीकेटर की जो गिर गया था वो कुछ इस काइंड ऑफ एप्लीकेटर है, तो ये जो एप्लीकेटर होते हैं ये निकल जाते हैं बहुत जल्दी। इससे अच्छा एप्लीकेटर दूसरे वाले फर्स्ट आईशैडो पैलेट का था, वो ज़्यादा वर्किंग था बट ये उतना अच्छा नहीं है, तो ये यूज़फुल नहीं है। सो हम बात करते हैं थर्ड आईशैडो पैलेट की, वो भी है एसएफआर का पैलेट। सो ये दिस इज एसएफआर ग्लिटर पैलेट। यस दिस इज एसएफआर ग्लिटर पैलेट एंड मैं इसको ओपन करती हूँ। ये भी प्लास्टिक पैकेजिंग में है, देखिए प्लास्टिक में है एंड ये ग्लिटर आई शेडो पैलेट है। ये एक्चुअली जेल ग्लिटर्स होते हैं, ये वो है, ये मैंने बहुत पहले परचेज किया था। ये मुझे मिला था आई थिंक 250 और 200 के अराउंड, आई डोंट नो कि ये काफ़ी लेशेस पे अवेलेबल है कि नहीं है, बट ये भी मैंने लोकल स्टोर से परचेज किया था। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग करती हूँ, सो इसलिए मैं यहाँ जाके कुछ ना कुछ खुद से, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि खुद जाके कुछ लेने में मुझे मज़ा आता है। सो मैंने ये लिया था। मैं इसको आपको इसके स्वैच दिखाती हूँ, दो शेड्स के, ये एंड दिस। मैंने इन दोनों शेड्स को अभी तक अनटच्ड है, ये यूज़ भी नहीं किया, मैं आज ही स्वैच यूज़ कर रही हूँ इसको। सो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा पिगमेंटेशन है इसका। सो ये तो थोड़ा इस दूसरों से थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये भी बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है। आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कुछ आई शेडो लगा कि डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे तो ये रेडी टू पार्टी होने वाला है, मतलब आप पार्टी के लिए इजीली रेडी हो जाएंगे इसके साथ। ये बहुत सुपर फैब आई शेडो पैलेट है। जो लास्ट आई शेडो पैलेट था ये भी बहुत अच्छा और बहुत प्रिटी आई शेडो पैलेट है। यू कैन सी दिस दो, ये दीज टू शेड्स ये बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत शेड्स इसके, मतलब मैंने जितने पैलेट्स दिखाए हैं आप देख सकते हैं कि ये सारे शेड्स ही बहुत अच्छे हैं, तो आप इसमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। आपको एसएफआर के प्रोडक्ट्स जो है कर्व्स एंड लैशेस पे मिल ही जाएंगे। आपको एक बार तो एसएफआर का कोई भी आईशैडो पैलेट ट्राई करना तो बनता है बॉस। वन मोर थिंग, एक चीज़ और रह गई है, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग। सो दिस इज एसएफआर ग्लिटर आईलाइनर। तो ये भी मुझे मिला था 100 रुपीज़ का एंड ये बहुत ही क्यूट पिंक कलर का ग्लिटर आईलाइनर है। तो मैं आपको इसका दिखाती हूँ, देखिए। तो ये बहुत ही क्यूट पिंक ग्लिटर है, वाओ मुझे ये बहुत पसंद आया था, ये समझ लिए एक प्लस। मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो ये भी आपको काफ़ी लेशेस पे अवेलेबल है, मैंने इसको लोकल स्टोर से परचेज किया था इसलिए मुझे 100 रुपीज़ का मिला था एंड वहाँ आपको ये मिल जाएगा अराउंड 125 और समथिंग। सो ये वहाँ आपको इतने का मिल जाएगा और ये मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने इसको लिया था। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत क्यूट आईलाइनर है, सो मस्ट ट्राई यार। सो ये था सबका रिव्यू एंड डेमो काइंड ऑफ, एंड आपको देखना होगा मेरा मेकअप ट्यूटोरियल तो आप देख सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसी में ऐड कर दूँगी मेकअप ट्यूटोरियल, अदरवाइज मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। ये था। सो अब हम चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड एसएफआर का प्रोडक्ट एक बार परचेज करके देखना आप यार, मुझे भूलोगे। सो बाय, टेक केयर।